नमस्कार, इंस्पायरिंग बरकत चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक अमीर घमंडी बहन और उसके गरीब भाई की कथा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों, एक बहन और एक भाई थे। बहन की शादी बहुत बड़े घर में हुई थी। वो बहुत पैसे वाली थी और भाई था जो बहुत निर्धन था, गरीब था। वो जैसे तैसे करके अपने बीवी बच्चों का पालन पोषण कर रहा था। लेकिन जो भाई की पत्नी थी वो बहुत ही पूजा पाठ नियम कर्म करने वाली थी। वो हमेशा पूजा पाठ में जाती और माता रानी का बहुत ध्यान लगाती थी। जैसा भी उससे बन पड़ता वैसा ही वो पूजा पाठ जरूर करती थी। इसलिए वे गरीब होते हुए भी उसके बच्चे भी संस्कारी थे और वो थोड़े में गुजारा करके भी अपने पति के साथ खुश थी। लेकिन जो बहन थी वो बहुत घमंडी थी। वो अपने भाई से गरीब होने के कारण उससे कोई रिश्ता नहीं रखती थी और बहुत बहुत दीन हो जाते थे। वो अपने भाई से मिलना भी पसंद नहीं करती थी। एक बार बहन की ननंद की शादी थी तो उसने अपने भाई को न्योता नहीं भेजा। सब रिश्तेदारों को बुलाया लेकिन भाई की गरीबी के कारण उसको नहीं बुलाया तो भाई ने यह बात अपनी पत्नी को बताई। जब उसे किसी से पता चला तो उसने अपनी पत्नी से झूठ बोलते हुए कहा कि मेरी बहन के ही यहाँ उसकी उसमें जाना है। तब उसकी पत्नी ने कहा कि तुम्हारी बहन ने बुलावा तो भेजा नहीं है, न ही कोई आमंत्रण आया है कि हमें निमंत्रित किया गया हो। तो इस पर उसके पति ने कहा कि नहीं नहीं, मेरी बहन ने मुझे निमंत्रण भेजा है, इसलिए मुझे वहाँ जाना चाहिए, और अपनी पत्नी से झूठ बोलकर वह जो भी उस पर बन पड़ा, अपनी औकात से ज्यादा कपड़े लत्ते और खाने पीने का सामान लेकर बहन की ससुराल चल दिया। जब वह अपनी बहन की ससुराल गया तो जब वह दरवाजे पर पहुंचा तो उस पर किसी की नजर नहीं गई, जो उसकी अमीर घमंडी बहन थी। उसने उसे खिड़की से देख लिया कि उसका भाई आया है, लेकिन वह उसे देखकर पीछे हट गई। जब उसकी बहन की देवरानी ने उसे देखा तो वह दौड़ी दौड़ी अपनी जेठानी के पास गई और उससे कहने लगी, दीदी तुम्हारा भाई आया है। तब वह अपनी देवरानी से कहने लगी कि द्वार पर मेरे जेठ ससुर बैठे हैं, इसलिए मैं नहीं जा सकती हूँ, मुझे शर्म लगती है। तुम जो है ये बताओ, मेरे भाई का भेष कैसा है और वो क्या लेकर आया है? तब वह उसकी देवरानी कहने लगी कि दीदी तुम्हारे भाई ने तो बहुत ही मैले से कपड़े पहने हुए हैं, जो जगह जगह से घिस गए हैं, और हाथ में भी एक झोला लिए हुए है जिसमें उसने कुछ रखा हुआ है। ये सुनकर उसकी बहन बोली कि जाओ मेरे भाई को पीछे के दरवाजे से भेज दो। वो उसकी देवरानी गई और उसके भाई को पीछे के दरवाजे से भेज दिया। वो भाई ने सोचा बहन मिलकर बहुत खुश होगी। बहुत दिनों के बाद वो बहन से मिलने आया था, लेकिन पैसे के चूर में अंधी बहन ने भाई की भावनाओं को नहीं समझा और वो उससे कहने लगी कि तुम्हें किसने बुलाया है? ये तो पूछने से रही कि मेरा भाई भूखा प्यासा होगा। मेरे भैया भतीजे, भैया के बच्चे, मेरी भाभी, भतीजे, भतीजी कैसे होंगे? और वह अपने भाई को दुकारने लगी और कहने लगी कि तुम इस फटीचे हाल में मेरे यहाँ पर आए हो, मेरी तो सारी जब तुम खराब कर देने वाले थे, तुम्हें किसने बुलाया है? तुम यहाँ क्यों आए हो? तब वह कहने लगा, बहन मेरा बड़ा दिल था अपनी बहन से मिलने के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तू मुझे देखकर खुश नहीं होगी। अब वह बोली कि चलो ठीक है, आ गए हो तो अपने भाई को वो एक कमरे में ले जाती है और उसमें उसे बंद कर देती है और कहती है कि
जब तक मैं ना कहूँ इस कमरे से बाहर नहीं निकलना है। बेचारा भाई पैदल गया था, भूखा प्यासा था, लेकिन बहन ने उसकी कोई खोज खबर नहीं ली। धीरे धीरे दो दिन बीत गए, बहन ने दरवाजा नहीं खोला, या रिश्तेदार जो भी आए हुए थे। घर मेहमानों से खचाखच भरा हुआ था, लेकिन बेचारा भाई अंदर भूख प्यास से तड़प रहा था। बहन ने जब उससे न रहा गया तो उसने जो दरवाजे को बजाना शुरू किया तो जो उसके भांजे की बहू थी उसने दरवाजा खोल दिया और वह पीछे के रास्ते से बिना अपनी बहन से मिले हुए निकल गया, क्योंकि वह समझ चुका था कि उसकी बहन उससे मिलना नहीं चाहती थी। इसलिए वह अपने चुपचाप निकल गया क्योंकि वह समझ चुका है कि बहन का उसके साथ क्या रिश्ता है और वह उसे निभाना नहीं चाहती है, क्योंकि उसे तो अपने पैसे का बहुत घमंड था, इसलिए वह गरीब भाई की इज्जत नहीं करना चाहती थी। बेचारा दो दिन से भूखा प्यासा था और वह वहाँ से निकलकर अपने घर के लिए चल दिया, लेकिन रास्ते में जाते हुए उसके पैर लड़खड़ाने लगी और वह रोने लगा। रोने लगा तो वो एक जगह बैठ गया, फिर दोस्त उठकर चल दिया, फिर थोड़ी दूर चला, फिर बैठ गया। ऐसे करते करते वो आधे रास्ते आ गया और भूख प्यास के मारे वो बिल्कुल अधमरा हो चुका था। तभी उसे एक बुढ़िया दिखाई दी। जब वह बेहोशी की हालत छाने लगी तो उसे एक बुढ़िया दिखाई दी जो उसका सर अपनी गोद में रख कर बैठ गई और धीरे धीरे उसके सिर पर हाथ से सहलाने लगी। जब उसकी आंख खुली तो उसने एक बूढ़ी माई को देखा तो वह कहने लगा कि बूढ़ी माँ इसे कि आप कौन हैं? तब वह बुढ़िया माई कहने लगी कि मैं इसी जंगल में रहती हूँ और जब मैंने तुम्हें देखा तो मैंने तुम्हें गिरते हुए देखा तो मैं तुम्हारे पास चली आई। वह बुढ़िया और कोई नहीं अफशान माता थी और उसकी पत्नी जो उसके लिए बार बार प्रार्थना कर रही थी। इसीलिए अफशान माता उसके पति की रक्षा करने आई थी। तब अफशान माता ने उसे शीतल जल पीने के लिए दिया और उससे बोली कि बताओ तुम्हें क्या परेशानी है। तब वह बेचारा इतना कहते ही फूट फूट कर रोने लगा और अफशान माता से कहने लगा कि मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ और मेरी बहन की नंदादी थी। मैंने जैसे तैसे किसी से पैसे उधार लेकर जो भी मुझ पर बन पड़ा है मैं लेकर अपनी बहन के घर गया, लेकिन मेरी बहन ने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया वो ये सब बातें उस बुढ़िया माई को बताने लगा। वो रोने लगा और कहने लगा कि माई अगर मैं घर जाऊंगा तो मेरे बीवी बच्चे पूछेंगे कि आप शादी में गए तो क्या लेकर आए हो, लेकिन मैं अपने बच्चों को क्या जवाब दूंगा, ये सोच सोच कर ही मेरी जान निकली जा रही है। तब उस बुढ़िया माई ने कहा कि बेटा चिंता मत करो, यह मेरा बगीचा है, थोड़ी आगे चलो, यहाँ पर मेरा बगीचा है, इसमें तरबूज लगे हुए हैं, तुम तरबूज और ककड़ी तोड़ लो और अपने झोले में भर लो और उन्हें घर ले जाओ। तब वह बोला कि हाँ माँ ये ठीक रहेगा, और वह उस बुढ़िया माई की बात मानकर अपने थैले में तरबूज और ककड़ी तोड़कर उन्हें भर लेता है और अपने घर चल देता है। जब वह अपने घर पहुंचता है तो उसके बीवी बच्चे भाग कर आते हैं कि जरूर पिताजी, बच्चे सोचते हैं जरूर पिताजी कुछ अच्छी चीज लेकर आए हैं। झोला भरा हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि भुआ तो काफी पैसे वाली है, इसलिए भुआ ने हमारे लिए जरूर कुछ अच्छे उपहार भेजे होंगे। ये सोचकर बच्चे अपने पिता को घेर लेते हैं और उसकी बीवी भी हाथ में पानी का गिलास लेकर आती है और कहती है कि दीदी ने क्या दे दिया। जो झोला भरा हुआ है वो बेचारा खून का घूंट पीकर अपनी पत्नी को क्या बताता। वो कहने लगा जो भी दिया है सब थैले में रखा है और बाहर निकल जाता है।
अब उसकी बीवी जब उस थैले को खोलती है तो देखती है कि उसमें एक तरबूज रखा है। एक तरबूज बिल्कुल सोने का है। ये देखकर वो बहुत आश्चर्य में पड़ जाती है कि ननंद ने तो बहुत सा ज्यादा दे दिया है। जरूर उससे अपने भाई का दुख देखा नहीं गया होगा, इसलिए ननंद ने इतना सहारा दे दिया है। जब वो दूसरे तरबूज को काटने लगी तो उसमें क्या देखती है कि तरबूज में बीजों की जगह हीरे मोती चमक रहे थे। जब उसका पति घर आया तो वो उससे कहने लगी कि दीदी ने क्या दे दिया है। अब उसका पति सकपका गया कि शादी में तो जो लड्डू, पेड़े, बर्फी ये चीजें मिलती हैं और तुम खीरे और तरबूज लेकर आए हो। वो ये सोचकर घबरा रहा था कि मेरी बीवी जरूर यही पूछेगी। तब वह कहने लगा कि क्या है कि भेज दिया, ऐसा मैंने तो देखा नहीं है। तब कहने लगी कि जरूर दीदी को तुम पर दया आ गई है, देखो उन्होंने कितना धन हमारे लिए भेजा है। इतना धन भेजने की क्या जरूरत थी, जरूर उनसे अपने भतीजे और भाई का दुख नहीं देखा गया है। कितनी अच्छी ननंद है हमारी, हमारे तो उन्होंने दिल ही दूर कर दिया। इस तरीके से वे बहुत पैसे वाले बन जाते हैं। अब काफी दिन हो गए ये राज। उस गरीब भाई ने अपनी पत्नी को नहीं बताया। जब भाई ने अपनी पत्नी को नहीं बताया तो पत्नी के मन में तो यही था कि हम अपनी ननंद की वजह से ही पैसे वाले हुए हैं। उधर उसकी नंद तो अपने घमंड में चूर थी। उसने तो कभी यह जानने की भी कोशिश नहीं की कि मेरा भाई भूखा प्यासा यहाँ से गया है, मुझसे बिना बिना मिले चला गया है, वह कैसी हालत में होगा। उसे तो उससे कोई लेना देना नहीं था। उधर उसके गरीब जो गरीब भाई था उसकी पत्नी उस पर जोर देने लगी, कहने लगी कि जब हमारी दीदी ने हमारे लिए, हमारी नंद ने इतना किया है, तुम्हारी बहन जब तुम्हें इतना चाहती है तो तुम जाओ और उसे कुछ दिन के लिए लेकर आ जाओ, वो भी अपने मायके घूम जाएगी। तब उसका भाई कहने लगा कि ठीक है मैं अपनी बहन को लेने जाऊंगा। तब भाई, क्योंकि अब तो वो पैसे वाले थे, काफी अच्छे कपड़े पहने, अच्छे काफी सारे उपहार खरीदे और लेकर अपनी बहन के घर चल दिया। जब वो बहन के घर चला तो फिर उसकी देवरानी ने उसको देखा और वो भाग कर गई और अपनी जेठानी से कहने लगी दीदी तुम्हारा भाई आया है। तब वो बहन, घमंडी बहन, फिर कहने लगी कि मेरा भाई आया है, किस भेष में आया है। तब वह कहने लगी कि तुम्हारा भाई तो बहुत अच्छे ढंग से अच्छे कपड़े, रेशमी वस्त्र पहने हुए है और काफी सारे उपहार लेकर आया है। तब वह कहने लगी कि दरवाजे पर मेरे जेठ ससुर बैठे हैं, इसलिए अपने भाई से मिलने मैं ही जाऊंगी। और वह दरवाजे पर आती है और भैया भैया कहकर अपने भाई को अपने अंदर ले जाती है और उसका आदर सत्कार करती है। ये देखकर भाई सोचने लगा कि बहन में कितना बदला है। जब मेरे पास कुछ नहीं था तो बहन ने मुझे पानी तक भी नहीं पूछा और आज मेरे पास धन दौलत है तो मेरी बहन कितनी खातिरदारी कर रही है। लेकिन उसने मन में ही रखा, कहा कुछ नहीं। वो कहने लगा बहन तेरी भाभी बहुत जिद कर रही है और कुछ दिन के लिए वो तुझे बुला रही है। तब वो बोली हाँ भाई, मुझे भी बहुत दिन हो गए हैं मायके गए हुए, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। और वे मायके जाने के लिए तैयारी करने लगती है। जब घमंडी बहन अपने भाई के घर आती है तो उसकी शानो शौकत को देखकर उसकी जो आंखें फटी रह जाती हैं। अब तो उसकी जो भाभी होती है उस गरीब भैया की पत्नी होती है, वो उसका बहुत आदर सत्कार करती है, उसकी बहुत सेवा करती है, क्योंकि उसके मन में तो
यही होता है कि हम ननंद की वजह से ही इतने पैसे वाले और हमारे दुख के दिन बीत गए हैं। वह तो इसका श्रेय सिर्फ ननंद को ही देती है कि मेरी ननंद ने ही मदद की है। वह सोने का तरबूज और हीरे मोती भेजे हैं। अगर मेरी नंद धन नहीं भेजती तो हम लोग तो ऐसे ही गरीब रहते। अब वह अपनी नंद की हर मुराद पूरी करती है। उसकी नंद भी यही कहती कि मुझे ये साड़ी खरीदना, मुझे ये लेना है। जो भी फरमाइश करती उसकी भाभी उसको वही दिलाती और बहुत खुश होती कि चलो मैं अपनी ननंद की फरमाइश तो पूरी कर रही हूँ। अब ननंद का जाने का समय आ गया तो वह भाई बोला कि ठीक है, मेरी बहन को विदा करना है, लेकिन मैं अपनी बहन के लिए एक जोड़ी जूती जरूर बनवाऊंगा। वह मोची के पास गया और मोची से बोला, मोची भैया जरा एक बोलने वाली जूती जरूर बना दो। वह बोली, ठीक है। मोची ने कहा कि ठीक है, मैं बना देता हूँ। और मोची ने कहा कि भैया एक दो दिन का समय लगेगा जूती बनने के लिए। तब वह अपनी बहन से कहने लगा, बहन एक दो दिन और रुक जाओ, फिर चली जाना। कौन सा ज्यादा वह है, एक दो दिन तो और भी रुक सकती है। तो उसके भाई बोला। बहन बोली कि ठीक है भैया, मैं रुक जाऊंगी। उसका भाई बोला कि इतने जूती भी बनकर आ जाएंगी, तुम जो दो दिन बाद चली जाना। दो दिन बाद जूती बनकर आ गई और जब बहन ने उन्हें देखा तो बहुत खुश हुई। बड़ी मीनाकारी, उसमें कढ़ाई कराई, अच्छे हीरे मोती लगवाए। जूतियां देखकर बहन बहुत प्रसन्न हुई। जब वह जूतियां पहनती तो उस जूतियों में से आवाज आती, बहन अमीर गरीब बहन की। गरीब का कोई रिश्ता नहीं होता, गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता। और बहन ने तो मुझे भूखे प्यासे घर से लताड़ दिया। जब भी वह जूती पहनती तो जूती से यही आवाज आती, गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता। बहन भाई का रिश्ता भी गरीबी अमीरी पर टिका होता है। तरह तरह से जूती बात बनाती। जब जूती बोलती तो ये बात उस गरीब भाई की पत्नी थी जो उसने सुन ली और वह कहने लगी अपने पति से कि यह जूती क्या कह रही है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब उसका पति कहने लगा, है तो जूती है, जैसी मोची ने बना दी वैसी बन गई है, लेकिन ये क्या कह रही है मुझे नहीं पता। वो बहन अपने घर के लिए विदा होने लगी। जब बहन विदा होकर चली आने लगी तो बहन को भी बहुत महसूस होने लगी कि उसने जब भी वह जूती पहन कर चलती, एक कदम रखती, तभी जूती बोलती कि बहन भाई का रिश्ता भी अमीरी गरीबी पर टिका है। बहन ने अपने भाई को कैसे भूखे प्यासे घर से निकाल दिया, मरणासन हालत में। और बहन भाई गरीब का कोई रिश्ता नहीं होता। ऐसे ही जूती बोलती तो बहन को भी महसूस होने लगी। बहन के दिल में भी जो अब पछतावा होने लगा कि उसने अपने भाई के साथ कैसा व्यवहार किया और वे लोग इतना कुछ होने के बाद भी मेरे साथ कितना अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। अब उसके दिल में बहुत पछतावा था और वो अपने ससुराल आ गई। एक दिन जो भाई था उसकी, जो उसकी भाभी थी, वो अपने पति से कहने लगी कि जरूर कोई बात है, तुम मुझसे छिपा रहे हो। तब उसका पति बोला कि नहीं, मैं तुमसे कोई बात नहीं छिपा रहा हूँ। वो बोली, नहीं नहीं, तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। वो जूतियों का क्या राज है मुझे वो बता दीजिए। और वो जिद करके बैठ गई। तब उसके पति ने बताया कि जब हमारे पास कुछ नहीं था, मेरे फटे चीथड़े थे जिनमें मैं अपनी बहन के घर गया तो बहन ने मुझे कोई आदर सत्कार नहीं किया, ना ही मेरी पूछ की, मुझे एक गिलास पानी तक भी नहीं पूछा और मुझे कमरे में बंद कर दिया। दो दिन भूखा प्यासा मैं कमरे में बंद पड़ा रहा।
उसके बाद भांजे की बहू ने कमरा खोला और मैं वहाँ से निकल भागा। वहाँ से निकलकर मैंने सोचा कि कोई रिश्ता गरीब अमीर का कोई रिश्ता नहीं होता है, चाहे वो बहन भाई ही क्यों ना हो। और मैं वहाँ से निकलकर जब जंगल पैदल चल रहा था तो जंगल पड़ा और सोकर गिर गया। तभी एक बुढ़िया माई आई और उन्होंने मुझे पानी पिलाया और मेरी सारी कहानी सुनी। उन्होंने मुझे, मैंने जब बोला कि मैं बहन के यहाँ शादी में से जा रहा हूँ, मैं अपने बच्चे और बीवी को क्या मुंह दिखाऊंगा, तब उस माँ ने, जो बूढ़ी मैया थी, उसने कहा कि मेरा बगीचा है, बगीचे में से तुम ककड़ी और तरबूज भर ले जाओ। ये तो अफशान माता की कृपा थी जिससे हमारे दिन फिर गए। मेरी बहन ने कोई मदद नहीं की, न ही उसने हमें कोई धन दिया है। तब उसकी पत्नी कहने लगी, मैं तो आज तक सोचती थी कि मेरी ननंद की वजह से ही हम पैसे वाले हुए हैं। तब उसका पति कहने लगा कि मन में कोई दर्द मत रखो, हुए तो हमें अपनी जो मेरी बहन है उसकी वजह से ही पैसे वाले हुए हैं। अगर वह न मुझे घर से निकालती, मुझे खाने पीने के लिए नहीं देती और मैं घर से नहीं भागता तो कैसे माता रानी की कृपा हम पर होती। कैसे भी करके जुड़ा तो मेरी बहन से ही है ये सब, उसी की वजह से तो हम पैसे वाले हुए हैं। वो अपनी पत्नी को समझाने लगा और कहने लगा कि मेरी बहन के प्रति मन में कोई दुर्भाव व्यवहार मत रखना, उसके साथ कोई ऐसा व्यवहार मत करना। उसकी पत्नी कहने लगी कि नहीं, भगवान ने हमें इतना दिया है कि जिससे हम दूसरों की भी मदद कर सकें, लेकिन हम अपने गरीबी के दिन भूले नहीं हैं। अगर बहन ने ऐसा किया है तो वो उनकी सोच है, लेकिन हम हमेशा उनका आदर सत्कार करेंगे। वे जब भी अपने पीहर आएंगी तब हम उनको जो कहेंगी वही उपहार देंगे। तो दोस्तों, यह एक गरीब भाई और एक घमंडी बहन की कहानी थी, जो शायद माता की कृपा से उस बहन का घमंड चूर चूर हो गया। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।